Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. इस वीडियो में हम Red Hat Enterprise Linux ऑपरेटिंग सिस्टम में LVM को कैसे क्रिएट करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। LVM का यूज करके हम अपने सिस्टम के अंदर मल्टीपल डिस्क को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। LVM को क्रिएट करने का बेनिफिट ये है, अगर हमारे सिस्टम के अंदर मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल ये हार्ड ड्राइव मेरी 500 GB की है, ये भी हार्ड ड्राइव मेरे सिस्टम में 500 GB की है और ये हार्ड डिस्क भी 500 GB की अवेलेबल है मेरे सिस्टम में। अगर मैं इस हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशंस को क्रिएट करना चाहूँ तो मैं सिर्फ 500 GB का ही एक सिंगल पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे डाटा सेव करने के लिए 1 TB के पार्टीशन की ज़रूरत है तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डिस्क मैनेजमेंट होता है उसका यूज़ करके मैं 1 TB का पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सिस्टम में सिर्फ 500 GB की एक सिंगल डिस्क अवेलेबल है, लेकिन डिस्क 3 है जो कि 500 GB की हैं। लेकिन अगर हम LVM का यूज़ करें तो LVM का यूज़ करके हम अपनी इन दोनों डिस्कों को सिंगल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इस हार्ड डिस्क को भी इसी वॉल्यूम के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। ये मेन बेनिफिट होता है LVM के अंदर, इसलिए प्रेफर किया जाता है LVM को लिनक्स में। LVM के कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट होता है फ्लेक्सिबल कैपेसिटी, यानी कि आप अपनी कैपेसिटी को कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, अपने स्टोरेज पूल को रिसाइज कर सकते हैं, स्ट्रिप्ट लॉजिकल वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हैं, थिन प्रोविजनिंग होगी। थिन प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि आप जब अपने सिस्टम के अंदर किसी भी वॉल्यूम को क्रिएट करेंगे तो उसका साइज एग्जैक्ट उतना यूज़ नहीं करता हमारा सिस्टम। जैसे जैसे हम उसके अंदर अपने डाटा को सेव करते जाएंगे उस वॉल्यूम का साइज़ जो होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 500 GB का एक वॉल्यूम क्रिएट किया LVM का यूज़ करके, तो मेरे सिस्टम में जो स्पेस लेगा ये सिर्फ लेगा अप्रोक्सीमेट 2 GB का, लेकिन वॉल्यूम का साइज होगा 500 GB का। जब आप इस वॉल्यूम के अंदर डाटा को सेव करेंगे तो इसका जो साइज होगा वो इंक्रीज होता जाएगा और इंक्रीज मैक्सिमम आपका 500 GB तक हो जाएगा, क्योंकि आपके फिजिकल वॉल्यूम का ही साइज है 500 GB। आप LVM का स्नैपशॉट भी ले सकते हैं ताकि अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो आप अपने डाटा को रिकवर कर सकें विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट। सबसे पहले हमारे सिस्टम में अवेलेबल होनी चाहिए एक फिजिकल डिस्क, यानी कि एक स्टोरेज डिवाइस जिसका यूज़ करके मैं अपने सिस्टम के अंदर लॉजिकल वॉल्यूम को क्रिएट कर पाऊँ। जितने भी हमारे सिस्टम के अंदर स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनको हम बोलते हैं ब्लॉक डिवाइसेस। ब्लॉक डिवाइसेस आपकी डिस्क पार्टीशंस भी हो सकते हैं, कंप्लीट हार्ड डिस्क भी हो सकती हैं, या रेड एरे भी हो सकता है, या सैन डिस्क भी हो सकती हैं। सैन का मतलब होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसको मोस्टली यूज़ किया जाता है सर्वर्स के अंदर अपने डाटा को सेव करने के लिए। अगर आप अपने सिस्टम के अंदर किसी भी डिस्क पार्टीशन को या कंप्लीटली हार्ड डिस्क को LVM में यूज़ करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले इनिशियलाइज होनी चाहिए LVM फिजिकल वॉल्यूम में। इसको हम आगे चल के प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम अपने सिस्टम के अंदर LVM फिजिकल वॉल्यूम को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर हम अपने सिस्टम के अंदर LVM लॉजिकल वॉल्यूम को क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम के अंदर इनिशियलाइज करना होगा अपनी डिस्क को फिजिकल वॉल्यूम में, यानी कि PV में।
जब हम अपने सिस्टम के अंदर पीवी क्रिएट करते हैं तो एलवीएम ऑटोमेटिकली सेगमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं हमारे फिजिकल एक्सटेंट के अंदर। फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद हमारा सिस्टम में जो एलवीएम होता है वो हमारी डिस्क को ऐसे यूज़ करता है जैसे वो न्यूली इंस्टॉल्ड डिस्क को। अगर हम अपने सिस्टम के अंदर फिजिकल वॉल्यूम यानी कि पीवी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं पीवी क्रिएट, और उसके बाद आपको देना होता है अपनी हार्ड डिस्क का नेम और पाथ। यहाँ पर मैंने SDA हार्ड ड्राइव और SDB हार्ड ड्राइव का यूज़ किया है इस कमांड में, लेकिन आप किसी हार्ड ड्राइव के एक पर्टिकुलर पार्टीशन को भी एज अ पीवी क्रिएट कर सकते हैं। पीवी क्रिएट करने के बाद आपको क्रिएट करना होगा वॉल्यूम ग्रुप यानी कि VG। हमारे जितने भी वॉल्यूम ग्रुप्स होंगे उनको हम कंबाइन करके क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम के अंदर एक VG। VG क्रिएट होता है जब हम अपने सिस्टम के अंदर मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स को कंबाइन करते हैं तो क्रिएट हो जाता है एक स्टोरेज पूल। स्टोरेज पूल के अंदर हमारी मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स ऐड हो जाती हैं। जैसे कि अगर मैंने अपने सिस्टम में मल्टीपल PVs को क्रिएट किया है, फर्स्ट हार्ड डिस्क में, सेकंड हार्ड डिस्क में और थर्ड हार्ड डिस्क में, तो ये तीनों डिस्कें हमारी कंबाइन होकर एक स्टोरेज पूल क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं VG यानी कि वॉल्यूम ग्रुप। फिजिकल वॉल्यूम को हम सिर्फ एलोकेट कर सकते हैं एक सिंगल वॉल्यूम ग्रुप के अंदर। यानी कि अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर किसी भी हार्ड डिस्क को PV बनाया है तो आप इस PV को सिर्फ एक ही वॉल्यूम ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। VG के अंदर आपका सिस्टम में अनयूज्ड स्पेस और एनी लॉजिकल वॉल्यूम भी हो सकते हैं। वॉल्यूम ग्रुप को क्रिएट करने के लिए हम अपने सिस्टम में कमांड एग्जीक्यूट करते हैं VG क्रिएट। यहाँ पर हमें देना होता है VG का नाम, जो भी आप अपने VG का नाम रखना चाहते हैं। उसके बाद आपको देना होता है अपने PV का नेम यानी कि जो भी आपके सिस्टम के अंदर फिजिकल वॉल्यूम अवेलेबल होंगे जिनको आपने कन्वर्ट किया होगा फिजिकल वॉल्यूम में विद द हेल्प ऑफ PV कमांड। VG क्रिएट करने के बाद आपको अपने सिस्टम में क्रिएट करने होंगे LVs यानी कि लॉजिकल वॉल्यूम। LV को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम ग्रुप का, उसके अंदर जो भी फ्री स्पेस अवेलेबल होगा। इसी LV यानी कि लॉजिकल वॉल्यूम के अंदर यूज़र अपने डाटा को सेव कर सकता है। लॉजिकल वॉल्यूम कलेक्शन होता है लॉजिकल एक्सटेंट्स का, जो कि आपके PV के स्मॉलेस्ट स्टोरेज चंक होंगे। LV क्रिएट करने के लिए हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं LV क्रिएट हाइफन L। आप कितने साइज का अपने सिस्टम में LV क्रिएट करना चाहते हैं हाइफन N। यहाँ पर हम देते हैं अपने LV का नाम, और उसके बाद हमें देना होता है कि हम किस VG का यूज़ करके LV को क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम ग्रुप अवेलेबल है, वॉल्यूम ग्रुप के अंदर आपकी मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स अवेलेबल हैं। इस मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स का यूज़ करके आप अपने सिस्टम में LV को क्रिएट किया, और इस LV के अंदर आप अपने सिस्टम में स्टोरेज को रख सकते हैं। स्टोरेज यानी कि अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, और डाटा के अंदर आप अपनी मूवीज़, फोटोग्राफ्स या सीक्वल का डाटाबेस या जो भी आप फाइल्स और फोल्डर्स को सेव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फिजिकल एक्सटेंट एक स्मॉलेस्ट चंक होता है फिजिकल वॉल्यूम का, जिसका बाय डिफॉल्ट साइज होता है 4 MB। फिजिकल एक्सटेंट को हम बोल सकते हैं कि एक वो टीनी पार्ट्स हैं फिजिकल स्टोरेज का, जिसका यूज़ करके हम अपने सिस्टम के अंदर किसी भी लॉजिकल वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपने सिस्टम में फिजिकल एक्सटेंट का साइज 4 MB ना रख के ज़्यादा रखना चाहते हैं तो हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं VG क्रिएट हाइफन S। देन आपको देना होगा यहाँ पर एक्सटेंट का साइज, देन VG नेम, और उसके बाद आपको देना होगा अपने उन PVs का नाम जिसका यूज़ करके आप अपने सिस्टम में VG को क्रिएट करना चाहते हैं। LVM को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें फॉलो करने होंगे 6 स्टेप्स। पहला स्टेप है कि हमारे सिस्टम में फिजिकल डिवाइस यानी कि ब्लॉक डिवाइसेस अवेलेबल होनी चाहिए। स्टेप 2 में हम फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे इन्हीं फिजिकल डिवाइसेस का यूज़ करके। फिर हम फिजिकल वॉल्यूम्स का यूज़ करके क्रिएट करेंगे एक वॉल्यूम ग्रुप का, वॉल्यूम ग्रुप यानी कि VG, फिजिकल वॉल्यूम यानी कि PV।
फिर हम इस वॉल्यूम ग्रुप का यूज करके क्रिएट करेंगे एलवी का, यानी कि लॉजिकल वॉल्यूम। स्टेप नंबर 5 में हम ऐड करेंगे उसके अंदर एक फाइल सिस्टम को। फाइल सिस्टम XFS भी यूज कर सकते हैं और EXT4 फाइल सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम माउंट करवा के उसके अंदर अपने डाटा को सेव कर पाएंगे। हम अपने LVM के अंदर एक्सटेंडेड वॉल्यूम ग्रुप भी कर सकते हैं। एक्सटेंडेड वॉल्यूम ग्रुप का मतलब है कि मैं अपने सिस्टम के अंदर मोर स्पेस, यानी कि जो भी अवेलेबल वॉल्यूम ग्रुप होगा उसके अंदर PVs को ऐड करके अपने वॉल्यूम ग्रुप को इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर हम अपने अनयूज्ड, यानी कि जो PVs मैं यूज नहीं कर रहा उसको मैं अपने वॉल्यूम ग्रुप से रिमूव भी कर सकता हूँ, जिसको बोला जाता है रिड्यूसिंग वॉल्यूम ग्रुप। इन सारे को हम प्रैक्टिकली वन बाय वन सीखेंगे कि हम अपने सिस्टम में PV कैसे क्रिएट करते हैं, VG कैसे क्रिएट करते हैं, LV कैसे क्रिएट करते हैं और VG को कैसे एक्सटेंड करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। अब इसकी प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं कि हम इन सभी को अपने सिस्टम में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ अपनी RHEL 8.4 की वर्चुअल मशीन को। यहाँ पर मेरे सिस्टम में 500 GB की एक डिस्क अवेलेबल है, लेकिन इसी हार्ड डिस्क के अंदर ही मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। तो इसके रिमेनिंग पार्ट का यूज़ करके हम अपने सिस्टम में PV, VG और LV को क्रिएट करेंगे। साथ ही मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स को भी ऐड करके उनके अंदर भी PV, VG और LV को क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने सिस्टम के अंदर कुछ हार्ड ड्राइव्स को ऐड कर लेता हूँ। तो हार्ड ड्राइव्स को ऐड करने के लिए आपको जाना होगा एडिट दिस वर्चुअल मशीन पर, ऐड पर क्लिक करा, हार्ड डिस्क सेलेक्ट करा, नेक्स्ट। यहाँ से हम चूज़ करेंगे साटा, आप किसी भी हार्ड डिस्क का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करा, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क, नेक्स्ट। मैं यहाँ पे साइज लेता हूँ 500 GB और इसको सिंगल हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं, नेक्स्ट किया। यहाँ से आपको ब्राउज करके इसकी लोकेशन को करना होगा चेंज। अगर आप चेंज नहीं करते तो जहाँ पर भी आपकी ये वर्चुअल मशीन अवेलेबल है उसी जगह पर आपकी ये डिस्क क्रिएट हो जाएगी। तो मैं इसका पाथ चेंज कर देता हूँ डेस्कटॉप पर और इसको मैं कोई भी एक नाम दे देता हूँ। तो भी मैंने इसको नाम दिया LVM1, सेव किया, फिनिश। तो ये आपकी 500 GB की एक डिस्क ऐड होगी। और मल्टीपल डिस्क ऐड कर लेते हैं सेम प्रोसेस से, इसका भी साइज लेते हैं 500 GB। ब्राउज किया, डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ इसको LVM2, सेव, फिनिश। फिर से ऐड करते हैं एक और हार्ड ड्राइव को, फाइव हंड्रेड जी बी सिंगल डिस्क। ब्राउज किया डेस्कटॉप पर, LVM3, सेव, फिनिश। एक और हार्ड ड्राइव ऐड कर लेते हैं, फाइव हंड्रेड जीबी की। ब्राउज किया डेस्कटॉप पर, LVM4, सेव, फिनिश। ओके, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि 4 हार्ड ड्राइव्स। एक डिस्क पहले से ही अवेलेबल थी तो मेरे सिस्टम में डिस्क होगी ये 5। इसके बाद मैं ऑन कर लेता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन को। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लॉग इन कर लिया रूट यूज़र से।
सबसे पहले हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे lsblk। इस कमांड को एग्जीक्यूट करके हम अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं कि कितनी ब्लॉक डिवाइसेस अवेलेबल हैं। तो अभी मेरे सिस्टम में डिस्क अवेलेबल है SDA, SDB, CDE। SDA हार्ड ड्राइव में 3 पार्टीशंस अवेलेबल हैं, SDA1, SDA2 और SDA3। ये डिस्क मेरी 500 GB की है, जिसमें से अभी सिर्फ स्पेस यूज़ हो रहा है 50 GB, 4 GB और 2 GB। रिमेनिंग स्पेस मेरा अवेलेबल है। पहले हम इसी हार्ड डिस्क का यूज़ करके अपने सिस्टम में क्रिएट करेंगे PVs को, यानी कि फिजिकल वॉल्यूम को। फिजिकल वॉल्यूम को क्रिएट करने से पहले आपको सिस्टम में पहले पार्टीशन क्रिएट करने पड़ेंगे। क्रिएट करने के बाद आपको उसे चेंज करना होगा LVM के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करूंगा fdisk /dev/sda। एंटर किया, एम टाइप करेंगे हेल्प के लिए। तो अगर मुझे सबसे पहले अपने सिस्टम में पार्टीशंस को देखना है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे p, यानी कि प्रिंट पार्टीशन टेबल। तो अभी ये 3 पार्टीशंस अवेलेबल हैं। न्यू पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर टाइप करना होगा n, एन टाइप किया, एंटर। अब यहाँ पर आपके 3 प्राइमरी पार्टीशंस अवेलेबल हैं। एक फ्री पार्टीशन है, यानी कि आपके पास अभी सिर्फ एक ही पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। ये पार्टीशन आप प्राइमरी भी क्रिएट कर सकते हैं और एक्सटेंडेड भी क्रिएट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं लॉजिकल पार्टीशंस। तो अभी मुझे मल्टीपल पार्टीशंस की ज़रूरत है, तो मैं पहले एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करूँगा और उस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर क्रिएट करेंगे लॉजिकल पार्टीशंस। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ई एक्सटेंडेड के लिए। फर्स्ट सेक्टर हम डिफॉल्ट रखते हैं, लास्ट सेक्टर भी हम डिफॉल्ट रखेंगे। पी टाइप किया तो आपके सिस्टम के अंदर 444 GB का एक एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट हो गया। अब हम क्रिएट करेंगे लॉजिकल वॉल्यूम्स। तो फिर से टाइप करेंगे एन फॉर न्यू पार्टीशन, फर्स्ट सेक्टर एज इट इज़ लिया। हम इसके अंदर क्रिएट करते हैं 50 GB का एक पार्टीशन, तो लिखा +50 G। तो 50 GB का पार्टीशन क्रिएट हो गया। अब हम कन्वर्ट करेंगे इस लाइनेक्स पार्टीशन को लाइनेक्स LVM पार्टीशन में। तो उसके लिए मैं टाइप करता हूं m कमांड। पार्टीशन चेंज के लिए मैं यहां पर टाइप करना होगा t, तो मैंने t टाइप किया। तो ये आपसे पार्टीशन पूछ रहा है कि आप किस पार्टीशन को चेंज करना चाहते हैं। मैं 5th पार्टीशन को ही चेंज करना चाहता हूं। अब आपको यहां पर टाइप करना होगा l कोड्स देखने के लिए। तो यहाँ पर जो LVM का जो नंबर है वो है 8E। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 8E, एंटर किया। तो ये आपका पार्टीशन कन्वर्ट हो गया लाइनेक्स से लाइनेक्स LVM के अंदर। अब हम इसी तरीके से क्रिएट कर लेते हैं कुछ और पार्टीशंस को। तो फिर से टाइप करेंगे n, ये भी हम क्रिएट कर लेते हैं 50 GB का। फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पहले टाइप करेंगे टी, डिफॉल्ट पार्टीशन 6 है तो मैं एंटर कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे 8E, क्योंकि मेरा LVM का नंबर था 8E। तो ये भी पार्टीशन कन्वर्ट हो गया आपका LVM के अंदर। फिर से स्टेप को रिपीट करते हैं नए पार्टीशन के लिए। फिर से टी टाइप किया, डिफॉल्ट 8E, तो ये भी आपका पार्टीशन कन्वर्ट हो गया। फिर से न्यू पार्टीशन क्रिएट करते हैं +50 G। फिर से टी टाइप किया, डिफॉल्ट 8E, तो ये भी आपका पार्टीशन कन्वर्ट हो गया LVM में। पी टाइप करते हैं प्रिंट के लिए। तो मैंने भी अपने सिस्टम के अंदर 5th, 6th, 7th और 8th पार्टीशन को LVM पार्टीशन में कन्वर्ट कर लिया। तो 50 GB + 50 GB + 50 GB + 50 GB, तो ये मेरा हो गया 200 GB। अब इसे राइट
और क्विट करने के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे डब्ल्यू फॉर राइट एंड क्विट। अब आपको यहाँ पर टाइप करना होगा पार्ट प्रॉप, तो यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है कि अभी आपका जो पार्टीशन 5 था ये सिस्टम में ऐड नहीं हुआ, यानी कि आपके कर्नल को भी नहीं पता लगा कि आपने कुछ पार्टीशन में चेंजेस किए हैं, क्योंकि अभी भी आपका जो कर्नल है वो यूज़ कर रहा है ओल्डर पार्टीशंस को। नए पार्टीशन टेबल को बताने के लिए आपको सिस्टम को करना होगा रीबूट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीबूट, एंटर किया तो सिस्टम यहाँ पर रिस्टार्ट हो गया। अब चेक करते हैं lsbl के कमांड का यूज़ करके, तो अब आपके सिस्टम में 5th, 6th, 7th और 8th पार्टीशन अवेलेबल हैं 50 GB के। अब हम क्रिएट करेंगे अपने सिस्टम के अंदर PVs। तो अभी मेरा सिनेरियो क्या होगा, अभी मेरे सिस्टम में ये डिस्क अवेलेबल है जिसका साइज है 500 GB, जिसमें से मेरे सिस्टम में 3 पार्टीशंस अवेलेबल हैं मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, यानी कि एक पार्टीशन है मेरा 50 GB का, एक 2 GB का और एक 4 GB का, यानी कि एक स्वैप पार्टीशन है, एक बूट पार्टीशन है और एक स्लैश पार्टीशन है। रिमेनिंग हार्ड ड्राइव के अंदर मैंने क्रिएट किया एक एक्सटेंडेड पार्टीशन को, और इस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर मैंने क्रिएट किए हैं 4 वॉल्यूम्स, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों वॉल्यूम्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया है अपने LVM पार्टीशन टाइप में। अब मैं क्रिएट करूंगा इन्हीं चारों वॉल्यूम का PV, यानी के फिजिकल वॉल्यूम। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करूंगा PV डिस्प्ले, के पहले से कोई वॉल्यूम तो अवेलेबल नहीं है, तो अभी मेरे सिस्टम में कोई भी PV अवेलेबल नहीं है। PV क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे PV क्रिएट, किस किस का हम PV क्रिएट करना चाहते हैं, /dev/sda 5 का, /dev/sda 6, /dev/sda 7, /dev/sda 8, एंटर किया तो ये आपके 4 PVs क्रिएट हो गए। आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PVS कमांड, तो आपके सिस्टम में 5, 6, 7 और 8 के PVs क्रिएट हो गए। अभी इसके अंदर कोई भी VG अवेलेबल नहीं है। अगर आप डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं PV की, यानी कि फिजिकल वॉल्यूम की, तो यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं PVS। इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे PVS space -a, एंटर किया तो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे जितने भी PVs आपके सिस्टम में अवेलेबल होंगे। तो अभी मुझे यहाँ पर शो हो रहा है 5, 6, 7 और 8 फिजिकल वॉल्यूम्स हैं, ये कन्वर्टेड हैं LVM पार्टीशन टाइप में, जिनका साइज है 50 GB का और फ्री भी हैं 50 GB। आपको यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ही याद रखनी है कि अगर आप अपने सिस्टम के अंदर PV को क्रिएट करते हैं तो आप इस PV को ना तो फॉर्मेट कर पाएंगे और ना ही आप इसे माउंट कर सकते हैं और ना ही आप इस PV को कभी एक्सटेंड कर पाएंगे, यानी कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, नॉट अलाउड। यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं कमांड PV डिस्प्ले, तो इससे आपको और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपका 6 पार्टीशन है 50 GB का, 7th पार्टीशन 50 GB का, 8th पार्टीशन 50 GB का, और इसकी PV की UUID है ये। अब हम अपने सिस्टम में क्रिएट करेंगे
इन्हीं पीवीज का यूज करके वीजीज का, यानी कि अभी मेरी डिस्क के अंदर 4 PVs है, 1, 2, 3 and 4। अब मैं इन तीनों पीवीज को कंबाइन करके बना लेता हूं एक वीजी, यानी कि मैं यूज करता हूं 5, 6, 7 पीवीज का अपने वीजी को क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करूंगा वीजी डिस्प्ले, एंटर किया, तो अभी मेरे सिस्टम में कोई भी वीजी अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वीजी क्रिएट, उसके बाद देना होगा आपको वीजी का नाम। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ माई वीजी वन, और इसके अंदर हम पीवी ऐड करेंगे /dev/sda5 dev/sda6/dev/sda7, एंटर किया तो ये आपका वीजी क्रिएट हो गया। चेक करने के लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वीजी डिस्प्ले, तो ये आपके वीजीज आ गया जिसका नाम है माई वीजी वन, फॉर्मेट है LVM2, सीक्वेंस है इसका 1, वीजी का स्टेटस है रीड राइट, वीजी स्टेटस है रीसाइजेबल, यानी कि आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसका जो फिजिकल एक्सटेंड साइज है 4 MB जो मैंने आपको बताया था। डिटेल इंफॉर्मेशन लिए आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं VGS, तो ये VG आ गया। यहाँ आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं VGS-A, एंटर किया तो इन दोनों कमांड से आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि माई वीजी वन पीवी वन इतने हैं। अगर और ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे VGS-V, मतलब वर्बोस, तो ये आपको दिखा रहा है कि एक्सटेंड साइज है 4 MB का, पीवी 3 है, एलवी 0 है, और साइज इसका है 149, यानी कि 150 GB। अगर आप यहाँ पर वीवी दो बार लगाते हैं तो आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वी का मतलब है वर्बोस, तो ये आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसी पार्टीशन की। ठीक है, कंट्रोल एल प्रेस कर देते हैं, आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं PVS, तो ये आपके PVs आ गए। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं PVS-V, यानी कि वर्बोस, तो यहाँ पे आपको शो हो गया कि आपका जो SDA5 है PV, उसके अंदर VG है आपका माई वीजी वन, SDA6 में भी है माई वीजी वन, और SDA7 में भी है आपका माई वीजी वन, SDA8 में अभी आपका कोई भी VG अवेलेबल नहीं है, यानी कि मैंने अभी तक इस पार्टीशन को, यानी कि इस फिजिकल वॉल्यूम को किसी भी वीजी में ऐड नहीं किया। यहाँ आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं PVS-A, तो इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि 5 के अंदर, 6 के अंदर और 7 के अंदर आपके माई वीजी वन वॉल्यूम ग्रुप अवेलेबल है। तो इस तरह से हम क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम के अंदर वीजी को विद द हेल्प ऑफ PVs। अब नेक्स्ट है कि मेरे सिस्टम में एक हार्ड डिस्क थी, इस हार्ड डिस्क में मैंने क्रिएट किए थे 4 PVs, 1, 2, 3 और 4, ये चारों है मेरे PV। मैंने इन तीनों का यूज करके क्रिएट किया VG, यानी कि वॉल्यूम ग्रुप। अब हम एक्सटेंड करते हैं अपने वीजी को, यानी कि मैं अपने 4th PV को भी ऐड कर देता हूँ इस वीजी के अंदर, तो मेरे इस वीजी का साइज हो जाएगा 200 GB। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वीजी एक्सटेंड, वीजी का नाम था माई वीजी वन,
और इसके अंदर मैं पीवी ऐड करना चाहता हूँ स्लैश डेव स्लैश एसडीए 8, एंटर किया तो ये आपका वीजी एक्सटेंड हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे VGS, तो इसके अंदर आपके 4 PVs अवेलेबल हैं। यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर VGS हाइफन V मतलब वर्बोस। तो यहाँ पर शो हो गया कि आपके VG का नाम है MyVG1 और इसके एक्सटेंड का साइज़ है 4 MB जो कि डिफ़ॉल्ट साइज़ है और PV है आपके 4 और टोटल साइज़ है उसका 200 GB और 200 GB ही फ्री है। यहाँ आप यहाँ पर कमांड यूज कर सकते हैं VG डिस्प्ले, तो यहाँ पर भी आपको सेम रिजल्ट शो हो गया लेकिन इसके अंदर कुछ आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ हम यहाँ पर कमांड यूज कर सकते हैं PVS का। पहले आपको दिखा रहा था कि आपका 5, 6, 7 के अंदर ही MyVG1 है, अब आपको दिखा रहा है कि 8 के अंदर भी आपका MyVG1 है, यानी कि ये सारे के सारे PVs आपके कंबाइन होके बने हैं आपके VG और VG का नाम है MyVG1 PVS हाइफन A, एंटर किया तो यहाँ पर भी आपको फिर से शो हो गया सेम हाइफन V। देखते हैं वर्बोस के लिए, तो यहाँ पर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई और ज़्यादा कि इसमें साइज सबका 50 GB है, इसकी UUID ये अवेलेबल है और आपके PVs हैं 5, 6, 7 और 8 और उसके अंदर आपका VG है MyVG1। तो इस तरह से हम एक्सटेंड करते हैं अपने VG को। अगर आप अपने VG को रीनेम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ VGS, तो VG का नाम है MyVG1, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ MyVG2। तो उसके लिए कमांड एग्जीक्यूट करेंगे VG रीनेम, पुराने VG का नाम था MyVG1 और नए VG का नाम देते हैं MyVG2, एंटर किया तो आपका VG रीनेम हो गया। आप VGS कमांड से चेक कर सकते हैं कि आपका रीनेम हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको दिखा दिया कि आपके VG का नाम चेंज हो गया, जो पहले था MyVG1 अब है MyVG2 के नाम से। आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आप अपने सिस्टम के अंदर VG को क्रिएट करते हैं तो आप इस VG को ना तो फॉर्मेट कर सकते हैं, ना ही आप इसे माउंट कर पाएंगे, लेकिन आप अपने VG को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों हैं आपके डिसअलाउड और ये है आपका अलाउड। यानी कि मैंने अभी क्या किया, अपनी डिस्क के अंदर पहले 4 PV क्रिएट किए, 1, 2, 3 एंड 4, फिर मैंने इन तीनों PV से VG क्रिएट किया, उसके बाद इस PV को भी मैंने ऐड कर दिया इस VG में, तो मेरा VG एक्सटेंड हो गया। तो ये मेरा बन गया वॉल्यूम ग्रुप। अब हम इस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर क्रिएट करेंगे अपने लॉजिकल वॉल्यूम्स और उस लॉजिकल वॉल्यूम के अंदर हम अपने डाटा को सेव कर पाएंगे। तो ये बनेंगे मेरे LVs। तो LV क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले यहां पर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं LV डिस्प्ले, एंटर किया तो अभी कोई भी LV अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम यहां पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे
एलवी क्रिएट हाइफन कैपिटल एल, एल का मतलब है कि कितना साइज आप देना चाहते हैं उस लॉजिकल वॉल्यूम को। तो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ 20 GB का, उसको नेम देते हैं यहाँ पर माई LV1, आप कोई भी नाम दे सकते हैं स्पेस। इसके बाद देना होगा आपको नाम कि आप किस VG का यूज़ करके LV को क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारे VG का नाम था माई VG2, एंटर किया तो ये आपका LV क्रिएट हो गया। LVS कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपका एक LV यानी कि एक लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया जिसका नाम है माई LV1, जिसको हमने क्रिएट किया माई VG2 VG का यूज़ करके यानी कि वॉल्यूम ग्रुप का यूज़ करके। एक और वॉल्यूम क्रिएट करते हैं सेम कमांड से LV क्रिएट हाइफन कैपिटल L। अब मैं इसे क्रिएट करता हूँ प्लस 50 GB का, नेम देते हैं इसको माई LV2 माई VG2 VG का यूज़ करके, एंटर किया। चेक करते हैं अब इसको, पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं PVS कमांड PVS हाइफन V वर्बोस। तो यहाँ पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई कि अभी आपके 5th PV में से 20 GB यूज़ हो गया, तो रिमेनिंग बच गया आपका 30 GB, और 2nd PV में से यानी कि SDS6 में से 50 GB का ही मैंने LV क्रिएट किया, तो यहाँ पर पूरा स्पेस इसका यूटिलाइज हो गया और 7 और 8 अभी फ्री है। एक और PV क्रिएट करते हैं, अब मैं इसे क्रिएट करता हूँ 70 GB का। तो मैं सेम कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ पर हम नाम दे देंगे माई LV3 और इसका साइज देते हैं हम यहाँ पर 70 GB, एंटर किया। अब मैं यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ PVS हाइफन V, एंटर किया। तो अब आपको यहाँ पर शो हो गया कि उसने 20 GB यूज़ किया SDF5 का, क्योंकि यहाँ पर 29 GB था, अब रह गया यहाँ पर 9 GB, और 7 पार्टीशन का उसने 50 GB यूज़ कर लिया, और आपका 8 जो PV है वो अभी फुली फ्री है। तो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं PVS VGS LVS, ठीक है। तो आपके 3 लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गए, 20 GB का, 50 GB का और 70 GB का। अब हम इन लॉजिकल वॉल्यूम्स को फॉर्मेट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे mkfs.ext4 /dev/, यहाँ पर हमें देना होगा VG का नाम। तो VG का नाम था माई VG2, उसके बाद हम देंगे अपने LV का नाम यानी कि लॉजिकल वॉल्यूम का नाम। लॉजिकल वॉल्यूम का नाम है माई LV1, एंटर किया तो ये आपका फॉर्मेट हो गया वॉल्यूम फर्स्ट, जिसको मैंने फॉर्मेट किया है EXT4 फाइल सिस्टम के साथ। अब हम फॉर्मेट करेंगे अपने सेकंड पार्टीशन को विद द हेल्प ऑफ XFS फाइल सिस्टम के साथ। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे mkfs.xfs/dev/VG का नाम था माई VG2/, सेकंड पार्टीशन था हमारा माई LV2, एंटर किया तो ये भी आपका पार्टीशन हो गया फॉर्मेट। अब हम माउंट करवाएंगे इन लॉजिकल वॉल्यूम्स को ताकि हम इसके अंदर डाटा को सेव कर सकें। तो हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे कुछ डायरेक्टरीज को mkdir LV1 और एक
LV2 नाम से दो डायरेक्टरीज को क्रिएट कर लेते हैं, हाइफन वर्बोस लगा लेते हैं देखने के लिए कि फोल्डर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, एंटर किया तो आपके दोनों फोल्डर्स ये क्रिएट हो गए। LV के नाम को देखने के लिए मैं यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे LV डिस्प्ले, तो ये आ गया आपका LV का नाम। आपको इस पार्टीशन को अब कराना होगा माउंट, तो अभी मैंने सिर्फ फॉर्मेट किया है अपने LV1 को और LV2 को, लेकिन मैंने अभी अपने LV3 को फॉर्मेट नहीं किया जो कि 70 GB का है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे माउंट करवाने के लिए, माउंट यहाँ पर हमें देना होगा अपने LV का नाम, तो मैं LV का नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया यहाँ पर कर देते हैं उसको पेस्ट, और इसको मैं माउंट करवाना चाहता हूँ LV1 में, एंटर किया तो ये माउंट हो गया। सेम LV2 को भी माउंट करवा लेते हैं, तो सेम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं माउंट स्लैश डेव स्लैश VG का नाम था माई VG2 और LV का नाम था माई LV2, इसको कराते हैं LV2 डायरेक्टरी के अंदर माउंट, तो ये भी माउंट हो गया। चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ LSBL के कमांड से, तो ये आपके दोनों पार्टीशन हो गए माउंट, ये हुआ है माउंट LV1 में और ये माउंट हुआ है आपका LV2 में। कंट्रोल L प्रेस किया, आप यहाँ पर DF-HT का यूज़ करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपका है EXT4 फाइल सिस्टम से फॉर्मेट, और ये आपका फॉर्मेट है XFS फाइल सिस्टम के साथ, साइज़ है 20 GB और 50 GB। तो ये मैंने दोनों पार्टीशन को माउंट कर दिया, तो इस तरह से हम माउंट करते हैं अपने लॉजिकल वॉल्यूम्स को टेम्परेरी। अब हम परमानेंट माउंट भी करवा के देखते हैं कि हम अपने लॉजिकल वॉल्यूम को परमानेंट माउंट कैसे करवा सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको फॉर्मेट करना होगा अपने उस लॉजिकल वॉल्यूम को, तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे mkfs.xfs /dev/my VG2 और लॉजिकल वॉल्यूम का नाम था माई LV3, एंटर किया तो ये फॉर्मेट हो गया। अब एक फोल्डर क्रिएट करते हैं mkdir-v/LV3 नाम से, तो ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अब परमानेंट माउंट के लिए हम ओपन करेंगे अपनी fs tab फाइल को, तो उसके लिए कमांड एग्जीक्यूट करेंगे vim /etc/fs tab, एंटर किया आई प्रेस किया इंसर्ट मोड के लिए, फाइल के बिल्कुल लास्ट में आएंगे। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा आपके LV का नाम, तो /dev/my VG2, LV का नाम है माई LV3, टैब की प्रेस की, इसको माउंट करवाना चाहते हैं LV3 डायरेक्टरी में, टैब किया, फाइल सिस्टम है हमारा XFS, टैब किया डिफॉल्ट्स, टैब 0 space 0, एस्केप किया :WQ राइट एंड क्विट के लिए, चेक करते हैं कि एंट्री सही हुई है कि नहीं हुई है, तो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे mount-a, एंटर किया तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। चेक करते हैं df-st कमांड का यूज़ करके, तो ये आपका जो पार्टीशन था ये माउंट हो गया /lv3 डायरेक्टरी के अंदर। कमांड एग्जीक्यूट करते हैं blk id, ब्लॉक आईडी देखने के लिए, अगर आप उसे UUID से माउंट करवाना चाहते हैं तो आप वो भी माउंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए LV1 की जो UUID है वो ये है, LV2 की ये UUID है, और ये आपकी है UUID LV3 की। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ LV1 की आईडी,
कॉपी किया, पहले यू माउंट कर देते हैं LV1 को, अब इसे परमानेंट माउंट करवाते हैं vim/etc/fs10। एंटर किया, आई प्रेस किया, यहाँ पर पेस्ट करेंगे उस UID को। इसको हम माउंट करवाना चाहते हैं /LV1 डायरेक्टरी के अंदर, टैप किया, फाइल सिस्टम है हमारा इसका ext4, टैब डिफॉल्ट्स, टैब 0 space 0, एस्केप कॉलन W को राइट एंड क्विट। चेक करते हैं माउंट -a कमांड से, तो माउंट हो गया। चेक कर लेते हैं lsbl के कमांड का यूज करके, तो ये आपका फर्स्ट पार्टीशन माउंट हो चुका है LV1 नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो इस तरह से हम परमानेंट माउंट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ UUID से, या हम यूज कर सकते हैं उस LV का कंप्लीट पाथ। कंट्रोल L प्रेस कर देता हूं। अब मैंने क्या किया, अपने सिस्टम के अंदर हार्ड ड्राइव में पहले 4 PV क्रिएट किए। इन PV से मैंने क्रिएट किया VG को, और इस VG से मैंने क्रिएट किए LVs। तो अभी मैंने क्रिएट किए हैं 3 LV, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका साइज है 20 GB, नेक्स्ट है मेरा 50 GB का, और थर्ड है मेरा 70 GB का। ये फॉर्मेट है XFS फाइल सिस्टम के साथ, ये भी फॉर्मेट है मेरा XFS फाइल सिस्टम के साथ, और ये मेरा फॉर्मेट है EXT4 फाइल सिस्टम के साथ। अब हम करेंगे अपने LV को एक्सटेंड। ये तीनों ही मेरे क्या हैं, LVs। तो पहले हम इसको एक्सटेंड करके देखते हैं कि इसको हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, फिर हम इसको एक्सटेंड करके देखेंगे इसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा ये जो स्पेस है ये फ्री पड़ा है, तो मैं इस फ्री स्पेस को किसी के अंदर भी एड ऑन कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको यहां पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी LV एक्सटेंड -L। मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं +5 GB को /dev/VG का नाम था myVG2 और LV का नाम है myLV1। एंटर किया तो आपका साइज चेंज हो गया, ये साइज हो गया आपका 20 GB से 25 GB। चेक करते हैं df-st कमांड का यूज करके, लेकिन अभी भी आपको इसका साइज दिखा रहा है यहाँ पर 20 GB का, जो मैंने एक्सटेंड करके कर दिया 25 GB का। एक्सटेंड करने के लिए सबसे पहले आपको इसे करना होगा अनमाउंट। तो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे umount/lv1, तो मेरा वॉल्यूम हो गया अनमाउंट। चेक कर सकते हैं df-st कमांड से, तो ये आपका पार्टीशन माउंटेड नहीं है। रिसाइज करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। एरर चेक करने के लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे e2fsck-f, lv का पाथ है /dev/myvg2/myLV1। एंटर किया, सॉरी यहाँ पे myvg आना था, यहाँ पे आएगा myvg2। एंटर किया तो ये चेक हो गया, इसके अंदर कोई भी एरर
नहीं है। अब इसे एक्सटेंड करने के लिए मैं यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे दिस साइज टू एफ एस स्लैश डेव स्लैश माई वी जी टू माई एल वी वन, एंटर किया तो रिसाइज हो गया। अब इसे माउंट करवाते हैं, तो माउंट के लिए कमांड एग्जीक्यूट करते हैं माउंट हाइफन ए, क्योंकि अभी भी इसकी एंट्री एफ एस टैब में अवेलेबल है। एंटर किया डी एफ हाइफन एस टी, एंटर किया तो देखिए अब इसका साइज हो गया 25 GB, जो कि पहले था इसका सिर्फ 20 GB। तो इस तरह से हम एक्सटेंड करते हैं अपने EXT4 फॉर्मेटेड लॉजिकल वॉल्यूम को। अब हम अपने LV3 को भी एक्सटेंड करते हैं, लेकिन उससे पहले भी आपको उसे करना होगा अनमाउंट। तो हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं यू माउंट स्लैश LV3, तो ये आपका थर्ड पार्टीशन हो गया अनमाउंट। अब इसे एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करने के लिए आपको सेम कमांड ही यूज़ करनी है LV एक्सटेंड हाइफन कैपिटल L प्लस 5G स्लैश डेव स्लैश VG का नाम था माई VG1 और LV का नाम है माई LV3, एंटर किया सॉरी यहाँ पे VG का नाम माई VG2 था, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं माई VG2, तो ये आपका एक्सटेंड हो गया। तो ये साइज हो गया आपका 70 GB से 75 GB का, लेकिन ये आपका एक्सप्रेस फाइल सिस्टम है तो इसको एक्सटेंड करने के लिए आपके यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी XFS_growfs/dev/my_vg2/my_lv3, एंटर किया तो यहाँ पे आपके पास मैसेज आ गया कि अभी आपका फाइल सिस्टम माउंटेड नहीं है। तो मैं पहले इसको माउंट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ माउंट हाइफन ए कमांड से, क्योंकि ये इसकी एंट्री भी FS टैब में अवेलेबल है। अब सेम कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं df हाइफन ST कमांड से, तो ये अब आपका पार्टीशन हो गया है 75 GB का। तो इस तरह से हम एक्सटेंड करते हैं अपने लॉजिकल वॉल्यूम को, अगर वो फॉर्मेट हो XFS फाइल सिस्टम के साथ। कंट्रोल L प्रेस कर देता हूँ। चेक करते हैं PVS कमांड LVS कमांड VGS कमांड। आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, अगर आप अपने सिस्टम के अंदर LV को क्रिएट करते हैं यानी कि लॉजिकल वॉल्यूम को क्रिएट करते हैं, तो आप इस LV को फॉर्मेट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं और उसे श्रिंक भी कर सकते हैं। लेकिन आप श्रिंक सिर्फ EXT4 फाइल सिस्टम को कर पाएंगे, आप XFS फॉर्मेटेड LV को श्रिंक नहीं कर सकते, यानी कि ये क्या है आपका डिसअलाउड है और बाकी सभी चीज़ें आपकी अलाउड है। ये आपको तीनों चीज़ें ही याद रखनी है, PV के लिए क्या है, LV के लिए क्या है और VG के लिए क्या है। अगर आप श्रिंक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी E2 FSCK हाइफन F स्लैश डेव स्लैश माई VG2 स्लैश माई LV1, एंटर किया तो ये दिखा रहा है कि आपका ये पार्टीशन अभी माउंटेड है 45 GB का। तो श्रिंक करने से पहले हम इसे कर देंगे अनमाउंट, तो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं यू माउंट स्लैश LV1, फिर से प्रीवियस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये चेक हो गया।
अब हम इसे करेंगे स्कैन, तो स्कैन के लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे रिसाइज टू एफ एस हाइफन पी स्लैश डेव स्लैश माई वी जी टू स्लैश माई एल वी वन। मैं इसे स्कैन करता हूँ 7 GB के लिए, एंटर किया तो ये स्कैन हो गया। श्रिंक करने के लिए हम यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे एल वी रिड्यूस हाइफन कैपिटल एल। अब मुझे इसका साइज कम करना है सिर्फ 7 GB का, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 7G स्लैश डेव स्लैश माई वी जी टू माई एल वी वन, एंटर किया। ये कंफर्म पूछ रहा है कि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो मैं वाई प्रेस कर देता हूँ कंफर्मेशन के लिए, एंटर किया तो ये आपका रिसाइज हो गया 25 GB से 18 GB का। अब कमांड एग्जीक्यूट करते हैं माउंट हाइफन ए चेक करने के लिए, तो डी एफ हाइफन एच टी, एंटर किया तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट साइज नहीं दिखा रहा। तो हम यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करेंगे फिर से यू माउंट स्लैश एल वी वन। अब यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं रिसाइज टू एफ एस स्लैश डेव स्लैश माई वी जी टू स्लैश माई एल वी वन, एंटर किया। अब आपको कह रहा है कि पहले आप इसे चेक करिए ई टू एफ एस सी के कमांड से, तो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं ई टू एफ एस सी के हाइफन एफ स्लैश डेव स्लैश माई वी जी टू माई एल वी वन, एंटर किया। अब सेम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं प्रीवियस वाली। अब चेक करते हैं माउंट हाइफन ए कमांड का यूज़ किया, चेक करते हैं डी एफ हाइफन एच टी कमांड से, तो अभी हो गया आपका 18 GB। जो पहले आपको नहीं दिखा रहा था यहाँ पर 18 GB एग्जैक्ट, इस दोनों कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको यहाँ पर उसने साइज दिखा दिया कि आपका ये जो वॉल्यूम है ये रिड्यूस हो चुका, अब इसमें साइज बचा है सिर्फ 18 GB का। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम में क्रिएट करते हैं पीवीस वीजीस और एलवीस को। अब हम सीखते हैं कि हम अपने सिस्टम में से पीवी एलवी और वीजीस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा अनमाउंट, तो अनमाउंट करेंगे हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे यू माउंट स्लैश एल वी वन। एल वी टू को भी अनमाउंट कर देते हैं और एल वी थ्री को भी अनमाउंट कर देते हैं। एफ एस टैब से भी आपको एंट्रीज को डिलीट करना होगा, सॉरी बिम स्लैश ई टी सी स्लैश एफ एस टैब, एंटर किया बिम, एंटर किया आई प्रेस किया, यहाँ से रिमूव कर देंगे इन दोनों लाइंस को, एस्केप कॉलन डब्ल्यू के राइट एंड क्विट के लिए। सबसे पहले हमें रिमूव करना होगा एलवीस को, तो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे एल रिमूव स्लैश डेव स्लैश माई वी जी टू माई एल वी वन, एंटर, कंफर्म किया, रिमूव हो गया। सेम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे सेकंड वॉल्यूम के लिए, इसको भी रिमूव कर देते हैं। सेम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे थर्ड वॉल्यूम के लिए,
कंफर्म किया, कमांड एग्जीक्यूट करते हैं LVS, तो कोई भी LVS अवेलेबल नहीं है। अब हम रिमूव करेंगे अपने VG को, तो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं VGS, VG का नाम है माई VG 2, कमांड है VG रिमूव स्लैश dev स्लैश माई VG 2, एंटर किया, VG रिमूव हो गया। VGS कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो VG रिमूव हो गया। अब हम रिमूव करेंगे PVs को, तो पहले कमांड एग्जीक्यूट करते हैं PVS, तो PVs अभी 4 अवेलेबल है, रिमूव करेंगे PV रिमूव स्लैश dev स्लैश SDA 5, 6, 7 और 8। PVS कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपके PVs भी रिमूव हो गए। कमांड एग्जीक्यूट करते हैं ls bl के, अब हम इन पार्टीशंस को भी कर देते हैं यहाँ से डिलीट, तो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे fdisk स्लैश dev स्लैश sda सॉरी fdisk स्लैश dev स्लैश sda एंटर किया, प्रिंट करवाया, तो अभी भी आपके जो वॉल्यूम्स हैं 5, 6, 7, 8 ये अभी भी lvm टाइप में है, तो मैं इन पार्टीशंस को भी कर देता हूँ यहाँ पर डिलीट। तो डिलीट के लिए हम डी टाइप करेंगे, डिफॉल्ट एंटर किया, फिर से डी टाइप किया, 7 भी डिलीट हो गया, फिर से डी टाइप किया, 6 भी डिलीट हो गया, फिर से डी टाइप किया, 5 भी डिलीट कर दिया, पी टाइप कर, तो अब आपका सिर्फ एक्सटेंडेड पार्टीशन अवेलेबल है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, पी टाइप किया, सिस्टम में सिर्फ 3 ही पार्टीशन अवेलेबल रह गए जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि लिनक्स रन हो रहा है। डब्ल्यू कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, राइट हो गया, पार्ट प्रो एंटर किया, तो इस तरह से हमने पार्टीशन को भी कर दिया यहाँ पर डिलीट। तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें अपने सिस्टम के अंदर एक ही हार्ड ड्राइव अवेलेबल हो तो हम अपने सिस्टम में उसी हार्ड ड्राइव में PVs, VGs और LVs को क्रिएट कर सकते हैं। ls bl के कमांड को एग्जीक्यूट किया, तो मैंने स्टार्टिंग में बी सी डी ई ड्राइव को भी ऐड किया था, आप इन ड्राइव्स का भी PVs, VGs और LVs को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले कन्वर्ट करते हैं PVs में, तो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे PV क्रिएट स्लैश dev स्लैश sdb स्लैश dev स्लैश sdc स्लैश dev स्लैश sdd स्लैश dev स्लैश sde एंटर किया, तो ये मेरे बी डी और ई का पीवी क्रिएट हो गया। नो डिवाइस फाउंड फॉर dev sdc, कमांड एग्जीक्यूट करके एक बार चेक करते हैं ls bl के कमांड को, फिर से ट्राई करते हैं लास्ट कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, पीवी क्रिएट sdc एंटर किया, तो इसका भी पीवी क्रिएट हो गया। अब टाइप करते हैं pvs कमांड, तो अब आपके सिस्टम के अंदर कंप्लीट हार्ड ड्राइव यानी कि बी सी डी ई जिनका साइज 500 जीबी है उन सबका मैंने पीवी क्रिएट कर दिया। अब मुझे यहां पर क्रिएट करनी है 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव, तो 500 जीबी प्लस 500 जीबी प्लस 500 जीबी प्लस 500 जीबी, तो मैं पहले इन चारों पीवीज को
कंबाइन करके बनाता हूँ एक वीजी। तो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं वीजी क्रिएट, वीजी का नाम देता हूँ डेटा, और इसके अंदर मैं इन 4 हार्ड ड्राइव्स को कर दूंगा ऐड। स्लैश डेव स्लैश एसडीबी स्लैश डेव स्लैश एसडीसी स्लैश डेव स्लैश एसडीडी स्लैश डेव स्लैश एसडीई, एंटर किया तो आपका वीजी क्रिएट हो गया। वीजीएस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपका 1.95 टेराबाइट का, जो कि अप्रोक्सीमेट 2 टेराबाइट है, इसका वीजी क्रिएट हो गया। अब हम क्रिएट करते हैं इसका लॉजिकल वॉल्यूम ताकि हम उसके अंदर डाटा को रख सकें। लॉजिकल वॉल्यूम को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे एलवी क्रिएट हाइफन कैपिटल एल, साइज देते हैं प्लस 1.95 टेराबाइट हाइफन स्मॉल एन, नाम देते हैं इसको डेटा ड्राइव, और हमारे वीजी का नाम था डेव स्लैश डेटा, एंटर किया तो आपका 1.95 का एलवी क्रिएट हो गया। चेक कर लेते हैं एलवीएस कमांड से तो आपका 1.95 का डाटा ड्राइव क्रिएट हो गया। इसके अंदर डाटा को रखने के लिए करेंगे इसे फॉर्मेट, तो mkfs डॉट xfs स्लैश dev स्लैश डाटा, vg का नाम है और lv का नाम है डाटा ड्राइव, एंटर किया तो ये फॉर्मेट हो गया। कमांड एग्जीक्यूट करते हैं ls blk तो ये आपकी सभी ड्राइव्स यूज होगी 500 gb की, और आपका जो lv क्रिएट हुआ है वो आपका 2 टेराबाइट का क्रिएट हो गया। अब इसे कराते हैं माउंट, तो पहले फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं mkdir कमांड से हाइफन वी वर्बो स्लैश lvm पार्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। अब इसे माउंट करवाते हैं इस डायरेक्टरी में, तो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे माउंट स्लैश डेव स्लैश वीजी का नाम है डेटा एलवी का नाम है डाटा ड्राइव और फोल्डर का नाम है स्लैश एलवीएम पार्ट, एंटर किया। चेक कर लेते हैं ls blk के कमांड का यूज करके तो आपको दिखा रहा है कि आपका 2 टेराबाइट का जो पार्टीशन है ये माउंटेड है lvm पार्ट नाम की डायरेक्टरी में। आप यहां पर df हाइफन st कमांड का भी यूज कर सकते हैं तो ये आपका पार्टीशन है माउंटेड 2 टेराबाइट का। अगर आप इसकी परमानेंट माउंटिंग करना चाहें तो वो भी आप fs टैब में कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट में आपको करके दिखाया था। इसको डिलीट करने के लिए आपको सेम स्टेप परफॉर्म करने होंगे। पहले आप इसे करेंगे यू माउंट, फिर आप पहले रिवर्स में डिलीट करेंगे। तो मैं आपको पिक्चर से समझाता हूँ इसको। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास अभी हार्ड ड्राइव अवेलेबल थी 1, 2, 3 और 4, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्रिएट किया इनका पीवी फिजिकल वॉल्यूम, फिर मैंने इन चारों को कंबाइन करके बना दिया एक वॉल्यूम ग्रुप वीजी, फिर मैंने इस टोटल का ही बना दिया एक एलवी,
ठीक है, ये मेरा 500 GB था, ये भी 500 GB लिख देता हूँ यहाँ पे, ये भी 500 था, ये भी 500, इसका साइज भी था 500 GB, इसका साइज भी था 500 GB। तो ये मैंने जब कंबाइन किया तो ये हो गया मेरा 2 TB, और LV भी हो गया मेरा 2 TB। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आपको इसे करना होगा रिवर्स। रिवर्स मतलब पहले आप इस LV को करेंगे अनमाउंट, पहले आपको डिलीट करना होगा इस LV को, LV डिलीट होने के बाद आप डिलीट करेंगे VG को, VG को डिलीट होने के बाद आप डिलीट करेंगे इस PV को, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंप्लीट LVM होगा वो आपके सिस्टम से फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप अपने सिस्टम में पूरी हार्ड डिस्क का यूज करके LVM को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा।